This news is brought to you by Nandini College of Nursing. बल कांग्रेस कमेटी द्वारा माननीय राज्यपाल को स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले को लेकर एक ज्ञापन भेजा गया। कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने माननीय राज्यपाल महोदय से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग उठाई है। बल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर ने कहा कि इस मामले में नैतिकता के आधार पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र दिया गया है, जो कि उनकी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि त्याग पत्र स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए था। आज बल कांग्रेस कमेटी की तरफ से माननीय एसडीएम बल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय महिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें बल कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाला हुआ है उसकी किसी रिटायर्ड जज से जांच करवाई जाए। और हम ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष ने जो अपनी पार्टी से त्याग पत्र दिया है, तो इसके बजाय जो प्रदेश के माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है, तो हम चाहते हैं कि उन्हें तो नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। और उनसे भी एक निवेदन करना चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग में जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। To make a successful career in health sector, come to join Nandini College of Nursing. Join 4-year BSc Nursing degree course and 3-year diploma course in GNM Staff Nursing. Recognized by INC New Delhi and Himachal Pradesh Nurses Registration Council Shimla. We provide direct admission in BSc Nursing after plus 2 medical with 45% marks for general category and SCST with 40% marks. And for admission in GNM Staff Nurse course, come from any stream with 40% marks and SCST students with 35% marks. We have special scholarship for SCST and OBC students. Special features, green campus, hostel facility with Wi-Fi, excellent results and placements every year. Affiliated with Government Hospital, Sundarnagar. Contact Nandini College of Nursing, VPO Kannad, Tehsil Sundarnagar, District Mandi.